बरेली में 14 महीनों से सिलसिलेवार तरीके से 11 महिलाओं की हत्या के मामले में पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया है। आइए बात करते हैं इस साइको किलर की, कैसे बना ये साइको किलर, कैसे करता था हत्याएं और कुलदीप कैसे बना किलर। कुलदीप के पिता का नाम बाबूराम है। कुलदीप नाम के इस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि वह नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बाकरगंज का रहने वाला है। उसकी मां के जीवित रहते समय ही उसके पिता ने दूसरी महिला से शादी कर ली थी। पिता दूसरी पत्नी के कहने पर उसकी मां के साथ मारपीट करता था। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे साइको किलर कुलदीप ने उन 11 महिलाओं की सिलसिलेवार तरीके से हत्या की थी। मीरगंज सर्किल के थाना शाही और शीरगढ़ थाना क्षेत्र में सभी 11 महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से उनकी साड़ी या दुपट्टे के गला घोंटकर की गई थी। ये मामले पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए थे। आपकी जानकारी के लिए हम आपको मृतक महिलाओं के नामों से रूबरू कराते हैं। गांव लखीमपुर की महमूदन, कुलछा की धानवती सेवा, ज्वालापुर की बीरावती, खजुरिया निवासी कुसुमा देवी, शाही के मुबारकपुर की शांति देवी, आनंदपुर की प्रेमवती, मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव गूला की रेशमा व शाही के खरसैनी की दुलारी देवी की 5 महीने में जान चली गई थी। इसके अलावा 3 अन्य महिलाओं का कत्ल हुआ था। एसएसपी अनुराग आर्या ने घटना का खुलासा कर दिया। एसएसपी ने कहा कि आरोपी ने 6 घटना को करना कबूल किया है। पकड़े गए शख्स ने सभी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की कई टीम इस हत्याकांड के खुलासे के लिए काम कर रही थी। शुक्रवार की सुबह पुलिस की टीम आरोपी को घटना स्थलों पर भी लेकर गई। वहां से उसे बरेली लाया गया। एसएसपी ने खुलासा करते हुए कहा कि घटना के खुलासे के लिए ऑपरेशन तलाश का नाम दिया गया था। जनपद के दोनों थाना क्षेत्र इलाके में 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। जाति पुरुष ने लगभग 1.5 लाख मोबाइल नंबर का डाटा निकाल कर सर्विस लाइन्स की टीम को दे दिया था। पुलिस के इस मामले में आसपास के गांव की वोटर सूची को भी तलाश किया था। तो इज अ सीरियल किलर शॉट, और जो हम लोगों ने अलग अलग टीमें 22 टीमें लगाई थी, उसके साथ साथ इसको एक ऑपरेशन तलाश का नाम दिया था। एक वॉर रूम तैयार किया गया, उसमें पूरा डेटा फीड किया गया, बहुत सारे चार्ट्स तैयार किए गए, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्टों का डिटेल में अध्ययन किया गया। एसपी साउथ एसपी नॉर्थ साहब के द्वारा फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बहुत सलाहें ली गई, उनके द्वारा जो इनपुट दिए गए, कुछ क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा काफ़ी इनपुट्स दिए गए, और सीसीटीवी कैमरा लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में, पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज़ में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया, बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को देकर किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। ये सारे प्रयास इस दौरान किए गए हैं और उसका कल्मिनेशन है। मैं 4 आरक्षियों का नाम लेना चाहूँगा जिनके द्वारा इस पूरी घटना में सबसे अहम महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया। आरक्षी सरफराज जो थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी शेखर वर्मा ये भी थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी उत्तम थाना शाही और आरक्षी अमित थाना शाही। तो हम लोगों की जो कॉन्स्टेबलरी है, जो हमारे आरक्षी हैं, ये हमारी पुलिसिंग की रीढ़ की हड्डी है, और इन 4 पुलिसकर्मियों आरक्षियों द्वारा बहुत ही अत्यंत मेहनत करते हुए, जो भी इनके पास इनपुट थे उनका इस्तेमाल करते हुए, लोकल इनके पास जो मुखबिरी थी उसका इस्तेमाल करते हुए, इस पूरी घटना के अनावरण में ऐतिहासिक रोल इनके द्वारा प्ले किया गया। इसके लिए मेरे जो 25,000 रुपये का पुरस्कार मैं इनके लिए मैंने अनाउंस किया है, और मैं मुख्यालय के लिए भी इसमें इनके लिए रिक्वेस्ट लेटर भेजूंगा कि इनको पुरस्कृत किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी एक जनरल छवि ये है कि ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन, सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था उसी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाए, दूसरी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाता है, और महिलाओं के साथ बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सहज है। तो इस वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत लोगों से बातचीत की, जैसे ठेले वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो उसी रूट पर चलते हैं, हमने उनसे बातचीत की कि कभी ये किसी ई रिक्शा में बैठा है,
जिसने भी बताया उसने बताया कि साहब पैदल पैदल घूमता था और ये खेतों के रास्ते हुए आता था सड़क क्रॉस करके, मेन रोड पे कभी नहीं चलता था, सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके फिर खेतों के रास्ते कहीं निकल जाता था। तो जनरली इसका नेचर लोगों के साथ व्यवहार सामान्य रूप से अच्छा था। कितनी टीमें लगाई गई थी, सीसीटीवी भी लगाए गए थे? नहीं, इसके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास इसका नहीं है। किस तरह से ये हाथ में आया, ये किस तरह से गिरफ्तार किया, कितनी टीमें लगी थी, कितने कैमरे लगाए गए थे? हम लोगों ने पिछले महीने जब घटना हुई 3 जुलाई को, उसके बाद मैं कैंप ऑफिस पे एक वॉर रूम तैयार किया जिसमें जितने लोगों को इन घटनाओं की जानकारी थी उनसे पूरा इनपुट लिया गया। हर आदमी का एक खुला मत लिया गया, ओपिनियन लिया गया कि आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है। कुछ ओपिनियन कुछ आए, कुछ ओपिनियन अलग तरह के आए और हम लोगों ने उसमें अलग अलग टीमें बनाई कुछ इंडिविजुअल घटनाओं पर काम करने के लिए, और 22 टीमें हम लोगों ने कुल लगाई थी इस संभावना पर काम करने के लिए कि ये घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा सारी घटनाएँ कारित की गई हों। जी, हम लोगों ने इसको गूगल मैप का, गूगल अर्थ का यूज़ करते हुए, मैप्स का यूज़ करते हुए पूरी घटनाओं की प्लॉटिंग की। किसी घर में या किसी बिल्डिंग में घटनाएं नहीं हुई है, खेत में घटनाएं हुई है या खेत के नज़दीक सुनसान एरिया में घटनाएं हुई है। नंबर दो, सभी 45 से 65 के एज ग्रुप की महिलाएँ थी। नंबर तीन, जिस तरीके से मारा गया है वो कॉमन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें कॉमन आई जिससे हम लोगों को आइडिया लगा कि ये एक में एक तारतम्य है घटनाओं में और हम इस तो संभावना पे काम कर सकते हैं कि घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा कारित की गई। तो पूरी बात बताओ, तुम्हारी काबिलियत पता चले तो फिर शादी की बात शुरू करें। ये देखो मिठाई उठाई मिल गई हम लोगों, मिठाई आ गई तुम्हारी तिलक की। कौन कौन सी वाली? गांव बता दे, गांव के नाम बताओ, गांव के नाम बताओ, गांव बता दे, कौन कौन सी मारी, कितनी वाली बता, पूछताछ में बात प्रकाश में आई है। प्रयास इसने सब में किया है। प्रयास के बाद नेचुरल सी बात है कि कोई अनजान व्यक्ति है महिला विरोध करेगी, और जैसे ही महिला विरोध करती है तो तुरंत इसका जो एग्रेसिवनेस है वो बाहर आ जाता है कि मुझे किस तरीके से मना कर दिया गया किसी चीज़ के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए इसको अगर मना कर दिया जाता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है, और उसी एग्रेसिवनेस में फिर ये घटना इसके द्वारा कारित की। जो घटनाएं होगी उस मामले में भी रीइन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि इसका और उसका बिल्कुल मॉडस ऑपरेंडी एक साथ। जी, जितनी घटनाएं जिसमें मॉडस ऑपरेंडी सेम है वो हमारी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने काम किया है तो एक टीम गठित करके इन सारी घटनाओं का एक टीम से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इसको PCR लेके उन घटनास्थलों पे भी ले जाएंगे कि अगर ये तस्दीक करता है कि उन घटनास्थलों पे ये था तो हम पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करके उन घटना के बारे में भी इससे जरूर छानबीन करेंगे। पूर्व में जेल गए हैं तो जो पूर्व में लोग जेल गए हैं उस मामले में अब लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा अगर इनको। अब वो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको जैसा जैसा होता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कराएंगे। ये पिछले साल June 2023 की घटना है जिसमें जो मैंने आपको अभी डिटेल में दिखाया वो घटना भी इसी तरीके से महिला की, इसके द्वारा लगभग 55 साल की महिला की हत्या की गई थी। 2 मिनट में आपको प्रयासों के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि ये घटनाएं पिछले एक साल दो महीने से लगभग घटनाएं हुई हैं। पिछले एक साल से पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा बहुत मेहनत से काम किया गया। उनके नाम मुझे सिपाही अरे शादी करना है क्या? शादी करना है क्या? बात बताओ, पूरी बात बताओ। अच्छा शादी हम लोग, अरे तुम्हारे फोटो शादी के लिए ले रहे हैं, अब बताओ पूरी बात बताओ। चाहिए तुम्हें? अरे शादी करना है क्या? शादी करना है क्या? बात बताओ, पूरी बात बताओ। अच्छा शादी हम लोग, अरे तुम्हारे फोटो शादी के लिए ले रहे हैं, अब बताओ पूरी बात बताओ। चाहिए तुम्हें? कैसे करीब वो बता दो, शादी पक्की है? ज्यादा नहीं क्लोज, थोड़ा कम।